मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल खुशबू कुक्स पे। आज मैं हरी मूंग दाल से बने चीले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जरूर देखिए, बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और मिनटों में बनकर तैयार होती है। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल खुशबू कुक्स को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आप मेरे हर न्यू वीडियोस को देख पाएंगे। मूंग का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप हरा मूंग। इसे मैंने 6 से 7 घंटे अच्छे से पानी में भिंगो कर रख लिया था, अच्छे से धो लिया है मैंने। 1 बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे, कद्दूकस किया हुआ खीरा, कद्दूकस किया हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ टमाटर, धनिया पत्ता, 3 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। चलिए बना लेते हैं चीला। हमें सबसे पहले मूंग का पेस्ट बना लेना है, उसे ग्राइंड करके ग्राइंडिंग जार में डालेंगे मूंग को। मूंग की जगह आप अंकुरित मूंग भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी चीला बहुत टेस्टी बनता है। मूंग डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालें, हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें हमें नीम का पानी डालना है ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, 2 से 3 टेबलस्पून बस। अच्छा सा पेस्ट बना लेना है हमें, ये देखिए अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। नॉर्मल हमें ब्लेंड कर लेना है। इसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालें। ऐसा ब्लेंड करना है कि एक भी मूंग उसमें साबुत ना रहे, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सब्जियों को डालेंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी यूज़ करें, या तो ग्रेट करके या फिर बारीक काट के। आप इसमें चाहे तो मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। मैं स्किप कर रही हूँ, मैं सिंपल ही बना रही हूँ। अच्छे से मिला लेना है हमें। स्टार्टिंग में मैंने ब्लेंड करते वक्त बस 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाला था ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सब्ज़ी डालने के बाद मैं पानी डालूंगी। सब्ज़ी डालने से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है बैटर, थोड़ा सा पानी डालूंगी बस। अगर चीला आपको पतला बनाना है तो बैटर को थोड़ा पतला रखें, अगर चीला मोटा पसंद है तो बैटर थोड़ा मोटा रखें। सब्ज़ी डालने से थोड़ा बैटर मोटा हो गया है, गाढ़ा हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिला देना है हमें। बहुत आसान है बनाना चीला, ज़रूर ट्राई करें, बहुत हेल्दी है। मूंग की जगह आप अंकुरित मूंग भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर तैयार है, बना लेंगे चीला। इसके लिए पैन यहाँ मैंने गर्म कर लिया है, हल्का सा तेल लगाएंगे। अगर नॉन स्टिक हो तो आप तेल स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ बस। फ्लेम को स्लो ही रखें, बैटर डालेंगे। स्लो फ्लेम पे बैटर को अच्छे से डालें, इससे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा चीला को शेप देने के लिए। मैंने यहाँ बैटर थोड़ा गाढ़ा रखा है, आप चाहे तो पतला रख सकते हैं। स्लो फ्लेम पे कर रही हूँ, इससे बैटर जो है जल्दी हार्ड नहीं होता है, इससे आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा बैटर को शेप देने का। अच्छे से बैटर को शेप दे दें। चीला डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हमें इस पर लाइट ब्राउन स्पॉट्स आने तक पका लेना है, एक तरफ 2 से 3 मिनट बस, जब तक कि लाइट गोल्डन स्पॉट्स ना आ जाए। एक चीला बनाने में 5 से 6 मिनट लगेगा बस, मीडियम फ्लेम पे, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे अच्छे से चीला जो है वो पकने लगा है। इस पर हल्का सा तेल डाल देंगे, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं तेल, ऐसे भी पक सकता है ये नॉन स्टिक पे। पलट देंगे, देखिए हल्का सा स्पॉट आने लगा है, ऐसे ही हमें चाहिए। लाइट गोल्डन होने तक हमें पका लेना है, इसमें कुछ ही मिनट लगेगा बस। अच्छे से पलट पलट कर हमें पका लेना है। पक चुका है, देख सकते हैं आप, अच्छे से चीला पक चुका है, निकाल देंगे इसे। इसी तरह हमें चीला बनाकर तैयार कर लेना है। मैं दूसरा डालकर दिखाती हूँ।
स्लो फ्लेम पे डालना है हमें ताकि ज़्यादा टाइम मिले शीला को शेप देने के लिए। अगर पतला चाहते हैं तो बैटर पतला रखें थोड़ा। कोई भी सब्ज़ी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जो पसंद हो आपको, या फिर बिना सब्ज़ी के भी बनाया जा सकता है। सेब दे दिया है शीला को, सेब अब थोड़ा सा पका लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। शीला आप या तो किसी भी चटनी, अचार या फिर दही के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। हल्का सा तेल डालेंगे। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। ऐसे चीला को शेप देने के बाद 2 मिनट तक ढक दें किसी भी बर्तन से, इसके बाद पलट दें। देखिए अच्छे से ये लाइट ब्राउन हो चुका है। इसी तरह हमें सारा चीला पका लेना है। हरी मूंग का चीला तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। इसे किसी भी चटनी, दही या फिर अचार के साथ परोसें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।